अग्निकुंड के माध्यम से देवताओं का भोजन किया कराया जाता है। देवता अग्नि के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो स्वर्ग के देवता तो स्वाहा से खुश होते हैं और पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, भूदेव कहा जाता है ब्राह्मणों को, भूदेव ये भोजन से प्रसन्न होते हैं। परंतु ब्राह्मणों की महिमा तभी सार्थक है जब वो संध्या वंदन आदि अपने सत्कर्म करते हों। तो कश्यप जी सायंकाल के समय संध्या वंदन कर रहे थे कि उनकी पत्नी उनसे रति याचना करने लगी। सूर्यास्त के समय चार काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः, भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य जब अस्ताचल को जा रहे हो उससे पहले खा लो या बाद में खाओ। सूर्यास्त के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए, जो भी पढ़ोगे लिखोगे सब भूल जाओगे। सूर्यास्त के समय गर्भाधिस्त के समय गर्भवती होगी, उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, जो सूर्यास्त के समय सोता है उस घर में घोर दरिद्रता निवास करती है। ये चार काम इसलिए निषिद्ध हैं। कश्यप जी ने अपनी पत्नी दिति को बहुत समझाया पर दिति ने एक न मानी, तो पत्नी का मनोरथ पूरा करना पड़ा। कामज्वर शांत होने पर दिति को पछतावा हुआ कि स्वामी मैंने आज बहुत बड़ी भूल कर दी। कश्यप जी ने कहा भूल की है तो परिणाम भोगने को तैयार रहो। क्या होगा महाराज? बोले तुम्हारे गर्भ से अब दो आतंकवादी पैदा होंगे, सारी दुनिया को हिला के रख देंगे, क्योंकि तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है। बिचारी दिति डर गई, उसने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म नहीं दिया, गर्भ में ही धारण करके रखा। दिति के देह से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि स्वर्ग के देवता परेशान होने लगे। ब्रह्मा जी से जाके बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो जले जा रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। परंतु ये क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है ये समझ में नहीं आ रही। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा, बोले सुनो सुनो घबराओ मत, मेरे जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों एक बार घूमते हुए वैकुंठ पहुंच गए भगवान का दर्शन करने। तो जैसे ही वैकुंठ धाम में प्रवेश करने लगे तो भगवान के नित्य पार्षद हैं जय और विजय, उन्होंने रोक दिए कि हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो चारों का मूड खराब हो गया। हम प्रभु के दास हैं, अपने प्रभु के दर्शन करने आए हैं और तुम हमको रोक रहे हो, हमारे प्रभु के दर्शन में बाधा डाल रहे हो। जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। भगवान के ही नित्य पार्षद जय विजय को सनकादिकों ने शाप दे दिया। बेचारे दोनों पार्षद चरणों में गिर के रोने लगे, अरे महाराज हमारी तो ड्यूटी है, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे और आपने हमें शाप दे दिया। भगवान भीतर से भागे भागे आए, क्या हुआ सारी स्थिति बताई। पर भगवान के श्री अंग में लगी हुई तुलसी की सुगंध से ही सनकादिकों का मन शुद्ध हो गया। जो क्रोध भरा आया था, क्रोध में शाप दिया था, भगवान के श्री अंग की तुलसी पुष्पादि की गंध से एकदम मन प्रसन्न हो गया, चित्त शांत हो गया। और भगवान ने स्वयं सनकादिकों से हाथ जोड़ के कहा, हे विप्रदेवो, मेरे सेवकों ने आपको रोक करके घोर अपराध किया, आपने बिल्कुल उचित दंड दिया। भगवान कहते हैं मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मण का विरोध करे अपमान करे तो मैं उस भुजा को भी काट के फेंक दूंगा। आपने इनको तो 3 जन्म का शाप दिया, मुझे भी कुछ दंड दीजिए, क्योंकि ये मेरे ही सेवक हैं। सेवक अपराध करे तो स्वामी भी अपराधी माना जाता है।
आपने कोई कुत्ता पाल रखा है और वो कुत्ता किसी को काट खाए तो कुत्ते में डंडे पड़ेंगे सो पड़ेंगे, साथ में आपको भी गाली पड़ेंगी, फलाने का कुत्ता है, पाल तो रखा है पर संभाल नहीं सकते, तो कुत्ता पेटेगा साथ में आपको भी गाली पड़ेंगी क्योंकि आप उसके मालिक हो। तो भगवान कहते हैं कि यदि इनको आपने शाप दिया दंड दिया, ये मेरे सेवक हैं, मैं इनका स्वामी हूं, तो मैं भी अपराधी हुआ, मुझे भी दंड दो। सनकादिक बोले महाराज ऐसा मत कहो, हम आपको क्या दंड देंगे। भगवान बोले आप नहीं देते तो हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। सेवक से बड़ा स्वामी का अपराध होता है। स्वामी का अपराध इसलिए माना जाएगा कि तुमने अपने सेवकों को इतना प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जो उन्होंने अपराध किया। इसलिए यदि ये तीन जन्म तक राक्षस बनेंगे तो मैं चार जन्म लेकर के उनका उद्धार करने जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं तुम लोग मत घबराओ, वे ही सनकादिकों के हिसाब से जो भगवान के पार्षद हैं वो इस समय दिति के गर्भ में आ चुके हैं, इसलिए उनके तेज से यह पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। अच्छा, समय पाकर के दिति के गर्भ से दो दैत्यों का जन्म हुआ जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। बड़ा तो हिरण्याक्ष है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप बड़ा है हिरण्याक्ष छोटा है, पर प्रायः हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कहा जाता है। देखो जन्म तो हिरण्याक्ष का पहले हुआ, हिरण्यकश्यप का बाद में हुआ, तो जो पहले हो जन्म लेता है वो बड़ा कहलाता है, बाद में जन्म ले वो छोटा कहलाता है, और दोनों जुड़वा थे। तो फिर बड़ा हिरण्यकश्यप बड़ा कैसे हो गया जब जन्म हिरण्याक्ष ने पहले लिया। बोले भाई एक विचारणीय बात है, आप दोस्त सदस्य घूमते हुए किसी गुफा में जाओ, गुफा छोटी है जाने वाले दो हैं, तो जो दो घुसे हैं तो पहले कौन निकलेगा बाहर, जो बाद में घुसा होगा, पहले घुसा होगा वो आगे है, बाद में घुसने वाला पीछे है, पर निकलते समय जो पीछे वाला पहले निकलेगा, बाद वाला बाद में, भीतर वाला बाद में। इसलिए मां के गर्भ में तो हिरण्यकश्यपु पहले थे और जन्म के समय हिरण्याक्ष पहले, इस दृष्टिकोण से हिरण्यकश्यपु ही बड़ा भाई माना जाए। हिरण्यकश्यपु बड़ा, हिरण्याक्ष छोटा, और हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था उसने पूरे पृथ्वी मंडल के समस्त वीरों को जीतने के बाद देवताओं पर हमला किया तो देवता तो इसके सामने टिक नहीं पाए, देखते ही डर के भाग गए, स्वर्ग खाली। तो वापस लौट के आया और समुद्र में घुस गया, जल के देवता वरुण भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कोई भी ब्रह्मांड में इसको प्रतिभट लड़ने वाला नहीं मिला, तब ये पृथ्वी का ही अपहरण करके रसातल में ले गया। मनु महाराज ने जब ब्रह्मा जी से निवेदन किया तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया कि हे प्रभु इस संकट को दूर करो। जैसे ही ध्यान लगाया तो ध्यान लगाते ही बड़ी जोड़ की छींक आई और ब्रह्मा जी के छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की। वराह माने सूकर। तो सबसे पहले भगवान ने महावराह सूकर का अब रूप धारण किया। सबसे ज्यादा हम जीव जंतुओं में सूकर को गया गुजरा मानते हैं और भगवान ने सबसे पहला अवतार उसी रूप में लिया। क्यों? भगवान कह देना चाहते हैं कि जितने भी चराचर जगत के जीव जंतु हैं सब में निवास मेरा ही है,
अनेक रूप रूपाय, ये मेरे ही विविध रूप हैं। व्यवहार जगत में तो जैसा नियम है कर्तव्य कर्तव्य का, उसके अनुसार ही व्यवहार किया जाता है, परंतु सबके भीतर तत्व एक ही है। वराह रूप में भी भगवान ही हैं,